आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले है। आप एक स्टूडेंट हो, कंप्यूटर का स्टूडेंट हो, कंप्यूटर सीखते हो या चलाते हो, तो आप लोगों का शॉर्टकट की नहीं बैठता होगा। तो आप लोगों को शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा। कीबोर्ड में जितने शॉर्टकट की होते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है, तो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद इसमें हर तरीके के आप लोगों को फीचर मिलेगा। कैसे दबाना है आप लोगों को, जैसा कि टी प्लस आर दबाओगे तो क्या होगा, हर चीज़ इसमें यूजफुल एप्लीकेशन है। तो गाइज आप लोगों को देख ही सकते हो, विंडोज शॉर्टकट्स, लिनक्स शॉर्टकट्स सब है इसमें, एमएस ऑफिस से शॉर्टकट, ब्राउजर शॉर्टकट्स, डेवलपर शॉर्टकट्स, एड शॉर्टकट्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जैसा कि कंप्यूटर ट्रिक्स शॉर्टकट्स, तो हमको कंप्यूटर की में जो शॉर्टकट की होता है उसे जानना है। तो जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया, और फाइल कैसे बनता है, फाइल में क्या होना चाहिए, क्या कैसे उसका नेम लिखना है, हर चीज़ इसमें बताएगा। तो शॉर्टकट की के मदद से आप लोग फाइल फोल्डर बना सकते हो। तो जैसा कि इस पर बता रहा है कि डू यू कैनल डैट योर कैंट मैक ऑफ फाइल, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो इसमें। और गाइस इसमें आप लोगों को फाइल बनाने के लिए जैसा कि इसमें कमांड वमांड दिया जा रहा है, विंडोज सब बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशन है। आप लोग एक स्टूडेंट हो तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल ज़रूर से कर लेना। चलिए आप लोगों को थोड़ा ऐड आ चुका है तो ऐड को स्किप कर देते हैं। तो गाइस मैंने सब ऐड को स्किप कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो विंडोज़ पर हम क्लिक करते हैं। विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद इसमें शॉर्टकट्स की क्या रहता है आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसा कि F1 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले हेल्प है, आप लोगों को डिस्प्ले में जो हेल्प मांगता है तो F1 से आप लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हो। जैसा कि रीनेम द, जैसा कि आप लोग स्क्रीन टाइम, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। F2 प्रेस करोगे तो इसको स्क्रीन वाले जो होता है उसको आप कर सकते हो। गाइस आप लोगों को F3 में आप लोगों को सर्च ऑफ फाइल और फोल्डर, गाइस आप लोगों को F3 से अपनी फाइल का जो नाम होता है फाइल विल सर्च कर सकते हो। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को जैसा कि Alt+F4 क्लोज, आप लोगों को इसको क्लोज कर सकते हो। जैसा कि इसमें क्या लिखा है Al+T, और गाइस इसमें आप लोगों को F4 इसको Ctrl+4 पर दबाना है तो आप लोगों को जैसा कि क्लोज द एक्टिव एंटर, जैसा कि और टेक्स्ट द एक्टिव एप्स, गाइस आप लोग एक्टिव जो ऐप होता है उसको आप लोग मिनिमाइज कर सकते हो अपनी तरीके से। तो गाइस ये देख सकते हो Alt+Space बार, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, स्पेस बार ओपन द शॉर्ट्स मिनी मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडोज, जैसा कि आप लोगों को बैक करना है तो आप लोगों को क्या खींचना होगा, जैसा कि Alt+Leff और जैसा कि एरो, और इसे बैक कर सकते हो। इसमें बहुत सारे हैं तो आप लोगों को एक एक पर के आप लोगों को समझाने के लिए बहुत टाइम लगा। जैसा कि Alt+D खींचोगी तो आप लोगों को सिक्योरिटी द एड्स बार देखेगा, तो आप लोगों को विंडोज़ बहुत सारे इसमें ऑप्शन है तो आप लोग इजीली यूज कर सकते हो। बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है आप लोगों शॉर्टकट्स की के लिए, तो आप लोग यूज ज़रूर से करना है एप्लीकेशन को। तो इस ऐड आ चुका है, ऐड आता है तो गाइस आप लोगों को स्किप कर दिया मैंने। जैसा कि लिनक्स पर हम जाते हैं, लिनक्स पर लिनक्स को कीबोर्ड को आप लोग समझना चाहते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसे आप लोग यूज करना चाहते हो लिनक्स को, तो आप लोग उसमें शॉर्टकट्स की दिया जाता है तो उसको आप लोग देख सकते हो। राउंड द कमांड्स फॉर हीरो, जैसा कि इंटर दबाओ तो राउंड कीबोर्ड, जैसा कि कमांड होता है उसे आप लोग राउंड कर सकते हो, और जैसा कि इंटर दबाकर। और गाइस इसमें हर तरीके का फीचर है, आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, आप लोगों को यूज करना चाहिए। गाइस इसमें सर हर चीज़ मिलेगा। चलते हैं MS ऑफिस पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो MS विंडो, तो हमको क्या देख सकते हो, तो इसमें हर चीज़ का है। तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन ज़रूर पसंद आई होगी, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। गाइस इसमें देख ही सकते हो हर चीज़ का फीचर है। आप लोग एक इजी शॉर्टकट्स की दिया जा रहा है, उसमें क्या करना होगा, क्या प्लस में दाबना होगा, शॉर्टकट्स की दिया जा रहा है तो आप इसलिए यूज कर सकते हो। तो गाइस ऐड
को ख़त्म करते हैं। और गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और गाइस मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर।